हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर। तो भाई देख लो सुबह का व्यू, रात का तो आपने देख ही, सुबह का देखो। ये देखो भैंस के यहाँ बड़ा अच्छा व्यू है यार। ये रहा बुर्ज खलीफा, बहुत सुना इसके बारे में। ये रहा भाई दुबई मॉल, ये देखो सामने पूरा, और ये पीछे तक है बिल्कुल एंड तक। और बुर्ज खलीफा बताते कि इसमें ही आता है मॉल में। तो आज का अपना सीन ये है कि आज भाई दुबई मॉल जाएंगे बुर्ज खलीफा, और जो जो है नियर बाय जो जो बहुत फेमस चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आज कवर करते हैं। और भाई वाइब एक नंबर वाइब, सीरियसली यार। तो फिलहाल अभी रेडी होते हैं और भाई फिर निकलते हैं, आज का गेटअप कर लेते हैं रेडी। तो चलो रेडी होते हैं और चलते हैं अपना एक्सप्लोर करने के लिए। ए रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा सुनाई नहीं दे रहा है का? तो चलो भाई पहले रेडी हो लेते हैं, फिर निकलते हैं अपना बुर्ज खलीफा के लिए। उसके बाद भाई स्काई व्यू और दुबई मॉल और जो एक्टिविटीज हैं जो दूसरी है वो कल देखेंगे, कल करेंगे, क्योंकि भाई आज ही सब कुछ कर लिया तो फिर कल के लिए क्या छोड़ेंगे। और खैर इसमें भाई आज इतना टाइम लग जाएगा तो पता नहीं। और शाम को भाई एक सरप्राइज है, वो जीजू ने बताया कि क्या सरप्राइज है, वो मैं आपको शाम को ही बताऊंगा, ठीक है? तो चलो रेडी हो लेते फिर निकलते दोनों भाई। हबीबी बन गए या हबीबी, कम टू दुबई, फेमस डायलॉग। और भाई ये बिल्डिंग्स ना इतनी ऊंची ऊंची हैं, और मतलब फ़ोन में तो ऐसे लग रहा है भाई जैसे सब कुछ बहुत छोटा लग रहा है, बट भाई ये देख लो यार बुर्ज खलीफा ही कैसा लग रहा है, बहुत छोटा हो बट भाई इतनी बड़ी है ये। मतलब नॉर्मल जो बिल्डिंग है ना, जो इनके टावर हैं भाई, वो कम से कम 50-60 के करीब है। तो भाई मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी, बट यार मेरे साथ ना ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे बाल थोड़े इतने हार्ड हैं कि भाई मेरे को इस ड्रायर की बड़ी नीड होती है। और मेरे को मैंने आती वॉशरूम में सबसे पहले ये चीज़ देखी कि हेयर ड्रायर रखा है कि नहीं। तो भाई अभी फ़िलहाल अपने बाल सेट कर लें भाई, क्योंकि ऐसे लुलू पुंज बन के नहीं निकलना, अच्छे से रेडी होके भाई निकलेंगे तरीके से, फ़ोटोज़ भी क्लिक करवानी है सब कुछ है। तो भाई फ़िलहाल कर रहा हूँ मैं बाल सेट, ठीक है? इसमें भाई सबसे ज़्यादा मेरा टाइम ना, कहीं भी जाता हूँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम यही खाता है मेरा, बालों को अपना सेट करना सबसे ज़्यादा दुखी देते हैं मेरे को ये। और अब देखो भाई ये लुक आया अपना, ठीक है? और अब हो गए भाई बिल्कुल रेडी, अब लेते हैं, जीजू भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, अब मैं तो देखो टनाटन बिल्कुल बढ़िया, अब निकलते हैं बाहर। तो आज का भाई ये अपना प्रॉपर लुक है, और अपने पासपोर्ट वगैरह सब रख लिए भाई, ये भाई मेन है अपने पासपोर्ट रखने। सो गाइज ये अपना भाई रिसेप्शन एरिया होटल का, और इसका होटल का भाई मैं रिव्यू दूंगा अभी आगे चल के, और कि मतलब क्या प्राइस पड़ा हमें, कैसे पड़ा। फिलहाल भाई हम अभी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, जीजू थोड़ा साइड में गए हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, फिर चल रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट करने। और भाई ब्रेकफास्ट में मैंने लिए क्रोसो और डोनट्स, और लिया वाटरमेलन जूस शरीर में पानी की पूर्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि भाई इधर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी है, हमारे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा 42 टेम्परेचर है, बट ऐसा फील हो रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं भाई होटल अपना। तो भाई ये है दूसरेधानी का स्विमिंग पूल, जो कि ऑलमोस्ट 35th फ्लोर पर है, जो कि लास्ट फ्लोर है इसका, और ज़्यादा डेप नहीं है इसकी, छोटा और पूल वैसे बहुत बड़ा है पर इसकी। और इधर भाई एक छोटा सा जकूजी है, और बाकी भाई सब वैसे ही नॉर्मल है। अब भाई चलते हैं यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, चलो भाई। सो गाइज हम लोगों पर अपनी बुक करके भाई निकल गए हैं फिलहाल अभी दुबई मॉल के लिए, बिकॉज़ भाई बुर्ज खलीफा आज नहीं हो पाएगा, ना म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर हो पाएगा, क्योंकि भाई आज टिकट्स अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर। और ऊपर में आइए भाई हमारी एलेक्सस, ठीक है? और फिलहाल भाई अभी यहाँ से अपना मॉल है वैसे तो भाई 4 किलोमीटर है, बट भाई ये इधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हमें भाई पूरा का पूरा ना घूम के जाना पड़ता है भाई। और ये देखो भाई ये भाई वो है कैडिलैक आई गेस,
और भाई ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो कि भाई मेरे को लग नहीं रहा, पता नहीं आज या कल हमारा हो पाएगा, क्योंकि कल तक की भी इसकी टिकट्स अवेलेबल नहीं है, परसों की भी वेटिंग में डालनी पड़ेंगी। और भाई सबसे ज़्यादा टिकट्स बुक होना इसी की ही होती हैं, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की, ठीक है। तो भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, भाई शेखों ने जितना डेवलप कराया ना, तो भाई बहुत से कम टाइम में, मतलब यार देख के ही बताओ यार, इतना मतलब इतना तगड़ा बिजनेस करते हैं लोग बाहर से और वैसे भी, और ख़ासकर भाई ये तो प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। और भाई ये है यहाँ से भाई हमारा स्टार्ट हो जाता है दुबई मॉल, ठीक है। और भाई इतना बड़ा ये बुर्ज खलीफा जो है भाई, ये बुर्ज खलीफा भी इसी के अंडर आता है, इसी से एंट्री है, फर्स्ट फ्लोर से एप्पल स्टोर के पास से भाई इसकी एंट्री है और इसी में ही आता है ये, ठीक है। तो भाई चलते हैं अंदर। तो भाई मॉल में हमारी एंट्री हो चुकी है और मॉल भाई कुछ ऐसा है, बड़ा मस्त है। और ये है भाई जो भाई मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है दुबई मॉल का, और इसकी एक अंडर में एक वो भी है, थीम है वो वाला, भाई हम नहीं करेंगे उसमें, कोई वर्थ नहीं है। मतलब उसमें ऐसा है एक्वेरियम में बीच में आपको ले जाकर मतलब सेंटर में ले जाते हैं, जिससे भाई आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम ना बिल्कुल आप समुंदर में ही हो और ये सारी कोई शार्क्स वगैरह आपके आमने सामने आपके साइड में ले जाते हैं। तो भाई इसमें सारी तरह की वो है पिछले, ये देखो शार्क वगैरह, और अच्छा है भाई काफ़ी बड़ा है ये, ऊपर कवर्ड है बट ये बहुत बड़ा है। ये फ़ोन में वीडियो में शूट कर रहा हूँ भाई इसलिए लग नहीं रहा, बट बहुत बड़ा है भाई ये, अपने बहुत ज़बरदस्त फोन कर रहे बहुत, बाकी में यार बहुत बड़ा मॉल है भाई। ये है यहाँ का डायनासोर स्केलेटन, जो कि भाई रियल है, जो मतलब बहुत पुराने टाइम में था। तो ये बताते हैं भाई, हाँ मैंने पूछा भी था तो भाई ये बता रहे थे बिल्कुल रियल है, कोई शो पीस नहीं है, ठीक है। और ये भाई बहुत बड़ा है, ये सीरियसली बहुत बड़ा है ये, इसकी टेल देखो भाई, उसका देखो मुँह देखो भाई कितना पतला है, ठीक है। और भाई मॉल इतना बड़ा है, सारे ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स ऐसे ऐसे भी हैं, स्टोर ऐसे ऐसे भी हैं कि मतलब जो आपको कहीं और शायद मैंने नहीं देखे आज तक, ऐसे ब्रांड भी भाई जो मैंने नहीं भी सुने, टू बी ऑनेस्ट जो मैंने नहीं भी सुने वो वाले ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर। और यहाँ मतलब सही थीम बना रखा भाई इसका, थोड़ी विंटेज चीज़ें भी हैं, विंटेज आइटम भी यहाँ पर भाई डिस्प्ले में है देखने के लिए, और वैसे भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब मोस्टली तो भाई ये शॉपिंग के लिए, ठीक है, बट यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ये दुबई मूव हो गया और एक हो गया, और यहाँ से भाई हम बाहर निकल के अभी आए हैं, और ये इसी भाई जैसे मैंने बताया इसके एंट्रेंस से भाई सीधा ये आता है अपना बुर्ज खलीफा, द फेमस टावर और द लार्जेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और भाई इसकी वाइब अलग है सामने से, जैसे मैं खड़े होकर देख रहा हूँ ना, बट एक चीज़ की दिक्कत है यार, गर्मी हो रही है और तो कुछ नहीं है। और ये भाई स्काई व्यू था पीछे गाइस, हम पिछले ना कम से कम ये लगा लो 2-2.5 घंटे से, मतलब 2.5-3 घंटे से घूमे जा रहे हैं, लेकिन अब तक हमने आधा अपना मॉल कवर भी नहीं करा है। तो ये इससे आइडिया लगा लो भाई कितना बड़ा है, बहुत लंबे में फैला पड़ा है, और वाइब बड़ी अच्छी है, क्राउड अच्छा है, बट एक चीज़ की दिक्कत है भाई, कुछ खरीदने में डर लगेगा। तो भाई दोपहर से शाम हो गई और पैरों में होने लगा दर्द, और अभी अब तक हमारा कवर नहीं हुआ है। और भाई ये देखो अलग अलग सेक्शन है यहाँ के ऊबर के, ये लिमोजीन का है और एक प्राइवेट टैक्सी का है, तो हमने भाई अभी कैब बुक करी अपनी, और कैब देखो हमारी भाई आने वाली है। और मोस्टली देख लो भाई लेक्सस कैसे खड़ी है, ये ऊबर लेन में खड़ी है लेक्सस कोई आइडिया नहीं लगा सकता, ऊबर लेन्स में लेक्सस खड़ी है, और इंडिया में हमारी ये लगा लो मौत पड़ती है लोगों को लेक्सस खरीदने में। और भाई दुबई जो जाना जाता है ना यहाँ के, मतलब लग्जरियस लाइफ पे देखा जाता है, एक यहाँ की कार्स, ठीक है, बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, और भाई सबसे बड़ी चीज़ बिल्डिंग्स मिलेंगी ना, जो आपको इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है कि मतलब सर दुख जाता है भाई ऊपर देखते देखते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की,